बच्चों आज मैं आपको संज्ञा के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ, है ना। आपको कई बार परीक्षा में आता भी है और बताया जाता है कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, तो इसकी पहचान करने के लिए आज हम इसकी आपको जानकारी देंगे। सभी लोग ध्यान को सुनोगे, समझने का प्रयास आप करोगे, अच्छे से समझ जाओगे तो फिर कभी आप भूलोगे नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं। श्वेता और पीयूष अपने पिताजी के साथ आगरा घूमने गए, वहां उन्होंने ताजमहल देखा। उसकी सुंदरता देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य देखते ही बनता है। लौटते समय उन्होंने खिलौने खरीदे। यहाँ तक सबने समझ लिया? Yes, sir। अब देखिए, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो अलग कलर से कलर है, कलर शब्द को हम देखते हैं। श्वेता, पीयूष, पिताजी, आगरा, ताजमहल, सुंदरता, आश्चर्य, रात, ताजमहल, सौंदर्य और खिलौने, इन पर हम विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने नीचे कर दिया है, इसमें सभी चीजें शामिल है। अब मैं अब आपको बताऊंगा व्यक्तियों के नाम, फिर स्थानों के नाम, फिर भावों के नाम और अंत में वस्तुओं के नाम। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम में सबसे पहले हम बुलाएंगे अरुण, आप आइए। चलिए आप व्यक्तियों के नाम बताइए। व्यक्तियों के कौन कौन से नाम है? बहुत अच्छे। वेरी गुड। आपने बताया श्वेता, पीयूष और पिताजी, ये क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम हो गए। ये सब क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम हो गए। अब हम देखेंगे स्थानों के नाम। अब हम क्या देखेंगे? स्थानों के नाम। आप आइए, अब आप हमें स्थान बताइए। आगरा ताजमहल, ये क्या है? स्थान है। आगरा और ताजमहल, ये क्या है? स्थानों के नाम। सभी को आ गया? अब आगे हम देखेंगे भावों के नाम। भाव समझ रहे हैं ना? तो भावों के नाम में अब कौन बच्चा बताएगा, किसको समझ में आ गया? बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गया। आप आइए, आप बताइए भाव के, भाव कौन कौन से इसमें दिख रहे हैं? वेरी गुड, आश्चर्य और सौंदर्य। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपने बताया सुंदरता, आश्चर्य और सौंदर्य, ये जो है इसमें ये भाव है पूरे पैराग्राफ में, ये जो हमने पढ़ा है इसमें ये सब भाव, इनसे भाव निकलता है। और अंत में है वस्तुओं के नाम, अंत में है वस्तुओं के नाम। चलिए आप बताइए वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम बताइए। खिलौने थे, बोलिए खिलौने। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब हमने देख लिया व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम और वस्तुओं के नाम। अब हमको ये चीजें आ चुकी हैं। अब हम आपको बताएंगे, तो हमने यहां पर बता दिया था, अब हमने अलग अलग इनको लिख दिया है। पहला व्यक्तियों के नाम श्वेता, पीयूष और पिताजी। स्थानों के नाम में आगरा, ताजमहल और भावों के नाम में आ गया सुंदरता, आश्चर्य और सौंदर्य।
वस्तुओं के नाम में आ गया खिलौने, क्योंकि उन्होंने खिलौने खरीदे थे तो यहाँ वस्तु में क्या हो गई, खिलौने। तो बच्चों अब संज्ञा की क्या परिभाषा हो गई, अभी तो हमने आपको समझाया उदाहरण दे करके, अब देखिए हमारी परिभाषा क्या बन गई, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी को समझ में आ गया, आज इतना ही, अब अगली क्लास में हम आपको अन्य चीजें बताएंगे।